अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू द शो बिज टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसी। मार्केट के सेंटिमेंट्स आज थोड़े करेक्टिव मोड की तरफ दिखाई दिए और फ्राइडे को जैसे हो रहा था मार्केट के सेंटिमेंट्स कुछ नेगेटिव और कुछ जो है वो हेल्दी करेक्शन की तरफ जा रहे थे, तो आज भी सेम एज द सिचुएशन हमने देखा। इंट्राडे हाई बना और स्टार्टिंग ऑफ द मार्केट में ही बना। फाइनली मार्केट के अंदर 45,500 साइकोलॉजिकल बैरियर अबव मार्केट का क्लोजर रहा। ओवरऑल हम देख रहे हैं कुछ पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हैं, जो शेयर्स अच्छे हैं उनमें प्रॉफिट टेकिंग भी उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता, वहां भी इन्वेस्टर्स जो है वो प्रॉफिट टेकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं और इसके साथ साथ बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही हैं। आज के मार्केट की डेली हाइलाइट्स देखते चलते हैं। जी, परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केट आज की क्या रही? ओपन हुई मार्केट 45,931 के लेवल पर, हायर साइड मार्केट गई 46,047.56। इट मींस के इंटरडे हाई पे 46,000 का लेवल टच हुआ, लोअर वाज 45,714.17 एंड फाइनली क्लोजर 45,726.68 का, यानी कि 204.32 का डिक्लाइन देखा गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 543.64 मिलियन शेयर ट्रेड किए हैं। हेल्दी वॉल्यूम्स आज के मार्केट में दिखाई दे रहे हैं, 12.63 का इजाफा देखा गया फ्राइडे के मुकाबले में। वैल्यू रही 21.65 बिलियन रुपीस। और नेक्स्टली वॉल्यूम लीडर्स, ओनली वन स्क्रीबिंग इन रेड टेरिटरी, टीआरजी पार्क्स लिस्ट को लीड कर रहे हैं 6.98 के इजाफे के साथ, 103.49 पे क्लोजर रहा। 47.59 मिलियन शेयर्स ट्रेडेड। फौजी फर्टिलाइजर सेकंड स्कॉट पे 1.19 का इजाफा देखा गया, 19.11 पे क्लोजर रहा, 44.61 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। के इलेक्ट्रिक लास्टली 0.13 का डिक्लाइन, 4.06 पे क्लोजर, 33.01 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स। मार्केट की करंट परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, पॉजिटिविटी प्रिवेल होते हुए दिखाई दे रही है और वही स्क्रिप्ट जिनमें तेजी आ रही है। तो कुछ सिलेक्टेड स्क्रिप्ट अगर आप पोर्टफोलियो के बात करें तो वहां पे प्रॉपरली कॉशियस रहकर और अपनी आईज जो है वो स्क्रीन की तरफ रख के प्रॉपरली एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अभी बनाया जा सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। टॉपिक ऑफ द डे में जो आज हमने स्पेसिफिक टॉपिक सिलेक्ट किया है वो है एक्सपोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। हमारे साथ हैं मजहर नासिर साहब, आप इकोनॉमिस्ट भी हैं और इसके साथ साथ सीनियर वाइस फॉर्मर प्रेजिडेंट हैं FPCCI के। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू सर। सबसे पहले ये बताइए, एक्सपोर्ट पे मैंने ज़्यादा डिटेल डिस्कशन इसलिए नहीं की क्योंकि इतना ज़्यादा हम लोग पहले ही बात कर रहे थे, तो मैं चाहती हूँ कि ओवरऑल व्यूअर्स वहीं से स्टार्ट हमारा देखें जो हम बात करना चाह रहे हैं। एक्सपोर्ट के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक वो वक्त था जब हमारे पास जो है वो डेफिसिट दिखाई देता था या बहुत माइनर से नंबर्स थे। अब जो एक ये चेंज आ रहा है और ये सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ रहा है चेंज, तो और ये जब चेंज आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ये क्या हमारे मेजर्स हैं जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, जो आपके फिगर्स जुलाई से नवंबर तक हैं वो तो एक स्लो रैपिड स्पीड से नहीं बल्कि एक स्लो स्पीड से बढ़ते हुए आपके सामने आ रहे हैं। लेकिन दिसंबर के अगर आप फिगर्स देखेंगे तो आपकी एक्सपोर्ट्स ओवर लास्ट ईयर या ओवर नवंबर 2020 एकदम से जंप किया है। लेकिन जो देखने वाली चीज़ है कि उसमें क्या चीज़ है जो बेहतर हुई। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पहली चीज़ दिमाग में आती है वो टेक्सटाइल्स आती है, राइट? लेकिन टेक्सटाइल्स में अगर आप देखेंगे कि यार्न की एक्सपोर्ट ज़्यादा हुई है, या अगर आप उसको एनालाइज करें तो आपकी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में एक्सपोर्ट आपकी बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ हमेशा फ्रॉम अ कंट्री पॉइंट ऑफ व्यू एंड प्रस्पेक्टिव, अगर आप अपने एक्सपोर्ट्स के फिगर्स को देखकर खुश ना हो लेकिन आप ये देखें कि इन डॉलर टर्म्स क्या चीज़ बेहतर हुई है और क्या आपकी एक्सपोर्ट्स में वैल्यू एडिशन है या नहीं, ये किसी भी मुल्क के लिए आगे जाकर बहुत बेहतर होती है। क्योंकि शुरू में तो आप कहते हैं कि हमारी 24-25 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, जो भी हो जाए अल्लाह का शुक्र है। लेकिन वक्त के साथ और दुनिया में आगे कंपेटिटिव रहने के लिए, अपने डॉलर को इन लाइन चेक पे रहने के लिए आपको वैल्यू एडिशन की तरफ जाना पड़ता है। मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने हाल ही में सुना होगा कि आपने वीट एक्सपोर्ट कर दी थी, उसके बाद आपने वीट इम्पोर्ट कर ली, अब आप वीट इम्पोर्ट कर रहे हैं वापस। लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान एक पॉलिसी बनाए कि अगर आप वीट की वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करेंगे तो उसको इतना रिबेट या सब्सिडी मिलेगी, क्योंकि ये काम पहले कभी किसी ने नहीं किया, ये काम पाकिस्तान में हो रहा है। हम फ्रोजन पराठे जो हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं, सऊदी अरेबिया जाते हैं, कनाडा जाते हैं, अमेरिका जाते हैं,
लेकिन कब तक जाएंगे वो इंडस्ट्री, वहां भी लग जाएगी और फिर और वहां लग गई तो फिर यहां की एक्सपोर्ट पे जो है वो फर्क डेंट आएगा। लेकिन ऐसे बहुत प्रोडक्ट्स हैं, यीस्ट है, देखिए आटा, हमने अपने उस चीज को सबसे ज्यादा एम्फसाइज करना है जो आपकी स्ट्रेंथ है। एग्रीकल्चर आपकी स्ट्रेंथ है और अगर आप ये फ्रूट्स वेजिटेबल्स इसके प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। मज़र नासिर साहब, एक तरफ ये होता है कि आप बात कर रहे हैं कि हमें फिनिश मटेरियल एक्सपोर्ट करना चाहिए रादर देन कि हम रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करें, ठीक है। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि फ्रूट्स पे हमें वैल्यू एडिशन होना चाहिए। अब क्या करें कि अभी इंडस्ट्रीज कुछ लगी नहीं। सपोज अगर हम कोरोना की एग्जाम्पल लें तो यहाँ पे हमें ये दिखाई देता है कि जब कोविड स्टार्ट हुआ तो इट्स अ ब्लेसिंग कि पाकिस्तान की सम हाउ एक्सपोर्ट्स के नंबर्स इंक्रीज हो गए थ्रू टेक्सटाइल एंड थ्रू अदर थिंग्स। अगर हम बात करें फ्रूट्स की तो वहाँ पे इंडस्ट्रीज तो नहीं अभी लगी ना इतनी जल्दी। जो हम अगर मैंगो की बात करें तो अगस्त में रिकॉर्ड मैंगो एक्सपोर्ट किया गया और इसके साथ साथ ओवरऑल फ्रूट्स की भी बात करें जो आप बेहतर जानते हैं मुझसे ज़्यादा, लेकिन इंडस्ट्रीज के अभी यहाँ पे लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है। देखिए वहाँ पे गवर्नमेंट की डायरेक्शन आती है। अगर मैं सिर्फ फ्रूट्स की बात करूँ और आपने मैंगोज की बात की है तो मैंगो पल्प एक्सपोर्ट होता है, यहाँ प्रिजर्वेटिव इंडस्ट्रीज नहीं है। आपके पास जो एक्सपोर्ट होता है और जो लोकल कंज्यूम होता है उसके बीच में काफ़ी मैंगो या काफ़ी फ्रूट्स हैं, टमाटर है जो वेस्ट हो जाता है, जो गल जाता है। लेकिन अगर आप इसको प्रिजर्व करना शुरू कर और वो एक्सपेंसिव भी होगा और एक्सपेंसिव भी होता है, वो वैल्यू एडिशन है उसकी, जापान मार्केट है, उसमें दुनिया मार्केट है। तो आप अगर प्रिजर्वेटिव्स की एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट तरजीह देना शुरू कर दे तो कोई वजह नहीं है कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन उस तरफ नहीं जाएंगे। या वीट का मैंने आपसे एग्जांपल दिया, या अभी आपने टेक्सटाइल्स की बात की तो आपके गारमेंट्स, आपका निटवेयर, आपका बेडवेयर, इसी यही इंक्रीज किया है। अच्छा वीट एक्सपोर्ट होना, आप वीट का दो तीन बार नाम ले चुके तो मैं चाहूंगी जरा मैं इसको प्रॉपरली एम्फेसिस दूं। ओवरऑल क्या दिखाई देता है कि वीट की जब एक्सपोर्ट हो रही है तो ये किसी सिंगल आदमी का तो काम नहीं है ना कि आपने भी एक्सपोर्ट कर दी और फिर बस चले हो गया काम। आपको सब जगह से एक जो है वो अप्रूवल्स लेना पड़ती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, फिर फेडरल गवर्नमेंट, फिर प्रॉपरली उनके रेट्स वगैरह का इशू होता है, बहुत सारे इशूज हैं। मैं ऑनेस्टली अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं ये कहूँगा कि जो आदमी जिस कुर्सी पे बैठ के डिसीजन लेता है और सामने वाले को क्रिटिसाइज करना सबसे आसान होता है, तो जो बैठ के ये डिसीजन ले रहा है आई एम श्योर उसने सारे फिगर्स को देखे होंगे। लेकिन आप मुल्क में कंसिस्टेंट पॉलिसीज की तरफ जाते हैं, राइट। ये नहीं हो सकता कि आपने एक महीने में एक्सपोर्ट किया और तीसरे महीने में आप वापस इम्पोर्ट की तरफ चले गए। और इस वक्त जो आपके अगर आप दिसंबर के फिगर्स भी देखिए तो फिनोमिनल ग्रोथ में इम्पोर्ट्स के जो है वो वीट है आपका। हमें गवर्नमेंट को दो तरफ देखना पड़ेगा, उसकी जो वजह से मुराद ये है कि एक वो जो लॉन्ग टर्म पॉलिसी है और एक वो जो शॉर्ट टर्म पॉलिसी है। हम अपनी वीट की यील्ड को किस तरह और बेहतर कर सकते हैं, अगर हम बेहतर कर सकें तो वीट एक एक्सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट बन सकता है। और इसके साथ साथ वीट के ऐसे क्या प्रोडक्ट्स हैं जो वैल्यू एडिशन की तरफ जा सकते हैं और एक्सपोर्ट में हमें मदद दे सकते हैं, और वो जो डॉलर बनाएगा वो आपका डॉलर वाकई। लेकिन उसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन करके तो प्रोडक्ट अपनी फिनिश करके भेजेंगे, लेकिन ओवरऑल ये देखा जाएगा जो यहाँ पे वीट है वो वेस्ट ना हो रहा हो। अगर यहाँ पे जो चीज वेस्ट हो रही होगी तो उससे भी तो बेहतर है कि कुछ तो आए जी। सरप्लस जो है वो तो आप एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अगर आपकी वैल्यू एडेड इंडस्ट्री पाकिस्तान में लग जाएगी तो वक्त के साथ सरप्लस भी कम होना शुरू हो जाएगा और आप शायद एक्सपोर्ट वीट फ्यूचर में, अल्लाह करे कि आप एक्सपोर्ट करने की पोजीशन में ना हो बल्कि आप वैल्यू एडेड वीट प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दें। दुनिया में बिस्किट्स भी एक्सपोर्ट होते हैं, दुनिया में बहुत सी चीजें एक्सपोर्ट होती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मैं समझता हूँ दुनिया के अंदर बेहतरीन क्वालिटी के जो बिस्किट्स टेस्ट वाइज पाकिस्तान बनाता है वो टेस्ट आपको बहुत से मुल्कों में नहीं मिलता, बहुत ब्लैंड टेस्ट्स होते हैं। और ऐसी और टेक्नोलॉजीज हैं और वैल्यू एडिशन है, कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए, राइट, कुछ ऐसे मेजर्स लिए गए जो टाइमली थे। और हमने आज कुछ ये डिस्कशन भी कर रहे थे कि हेडलाइंस भी कुछ जगह पे देखी हैं कि एक्सपोर्ट को जो है हमने प्रॉपरली इम्पोर्ट को डिस्करेज करके बढ़ाया है ताकि जो लोकल्स हैं वो भी हमारी प्रॉपरली प्रोडक्ट जो पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरर हैं तो उनकी प्रोडक्ट्स यूज़ करें, ना कि वो इम्पोर्टेड मटेरियल्स की तरफ जाएं या फिर उनके ऊपर रेगुलेटरी ड्यूटीज एक्स्ट्रा एडिशन किया है जिसका इम्पैक्ट पॉजिटिव आया। ये एक अनपॉपुलर डिसीजन था जो लोगों ने नहीं सराहा, लेकिन मैं समझता हूँ मुल्क के लिए इट वॉज अ नीड ऑफ द आवर। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने, रजाक दाऊद साहब ने अपनी टीम के साथ ये डिसीजन लिया जिसके अंदर बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो उन्होंने डिस्करेज किए रेगुलेटरी ड्यूटी लगाकर कि वो मुल्क के अंदर कम से कम आए, क्योंकि उनको खरीदने वाले एक अमीर तबका है
और उसके साथ साथ उस इंडस्ट्री को आप मुल्क के अंदर डेवलप कर सकें। आपके सामने एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स में है, पाकिस्तान फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है दूध का और हम अरबों रुपए की चीज़ इंपोर्ट करते हैं। जब से उन्होंने रेगुलेटरी ड्यूटी जो है वो चीज़ पे लगाई रेस की है, रेस की है, तो आपकी चीज़ लोकल मैन्युफैक्चरर्स ने बनाना शुरू कर दी है। शायद वो आज मोज़रेला चीज़ ना बना सकते हों लेकिन बहुत जल्द मोज़रेला चीज़ भी पाकिस्तान में बनना शुरू हो जाएगी। अरबों रुपए की, 13 अरब डॉलर की पामेजान चीज़ सिर्फ इटली एक्सपोर्ट करता है एक एक, एक सर्टन एरिया के अंदर, हम क्यों नहीं कर सकते, हमारे पास भी है। लेकिन अगर गवर्नमेंट दूध ही के अंदर एक्सपोर्ट जब चीज़ की उसने बढ़ाई है तो वैल्यू एडेड दूध के प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट पे सब्सिडी देना शुरू करें कि दूध यहाँ बने, हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं तो फिर लोकल्स के जो उनके यूजर हैं वो तो उनके मिल्क के प्राइस जो है वो बढ़ते हुए दिखाई देंगे। जब आप इंसेंटिव देंगे तो दूध यहाँ मजीद बढ़ेगा। अच्छा सर, प्रॉब्लम जो है ना वो ग्रास रूट लेवल से दिखाई देती है क्योंकि जो मिडिल मैन है वो सारा प्रॉफिट ले उठते हैं और जब अगर आप फार्मर से या किसी मिल्क मैन से जाके उनके मसाइल पूछें तो वो बहुत पूरी एक लिस्ट दे देंगे आपको, और इसी तरीके से अगर आप किसी अपर क्लास से जाके पूछें तो उनको ये मसाइल का पता ही नहीं है। देखिए, दूध के सिलसिले के अंदर गवर्नमेंट ने दूध को एक इंडस्ट्री का वो दे दिया है, स्टेटस दे दिया है। जब स्टेटस दे दिया है तो मैं ऐसे बहुत से बिजनेस ग्रुप्स को जानता हूँ जो टेक्सटाइल्स में हैं और दूसरे बड़ी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में, वो दूध के अंदर चले गए और जब वो दूध के अंदर चले गए हैं और उस इंडस्ट्री को बेहतर करते जा रहे हैं। ठीक है मज़हर साहब, मैं आपको यहाँ पॉज करूँगी, अभी हम एक ब्रेक की जानिब चलते हैं, स्टे ट्यून्ड। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کو کبھی عیب نہیں لگایا، یعنی
बुरा नहीं कहा, अगर ख्वाहिश हुई तो खा लिया वरना छोड़ दिया। वेलकम बैक व्यूअर्स, हम बात कर रहे थे ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में। हमारे साथ मज़हर नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर, ओवरऑल डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बात चल रही थी और ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, तो क्या हम वैल्यू एडिशन कर सकते हैं इसके अंदर? देखिए, फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और जो गवर्नमेंट ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जो डायरेक्शन ली है जो बहुत सही है कि उन्होंने वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को डिस्करेज किया पाकिस्तान में रेगुलेटरी ड्यूटी लगाकर, और जिसके इम्पैक्ट में लोगों ने, जो डेयरी प्रोड्यूसर्स थे उन्होंने और नए लोगों ने चीज़ के प्लांट्स लगा लिए और पाकिस्तान में वो चीज़ बनना शुरू हो गई है। और मैं नहीं समझता कि अगर ये इंसेंटिव गवर्नमेंट इन पे को मज़ीद फोकस करते हुए दे तो हम एक वक्त आएगा कि हम चीज की एक्सपोर्ट शुरू कर देंगे। Exactly, क्योंकि मार्केट सिर्फ लोकल मार्केट कवर हो जाए तो बहुत ज्यादा रूम है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान की पॉपुलेशन बहुत बड़ी है और जब इस पॉपुलेशन को आप फीड करते हैं तो आप वायबल हो जाते हैं एक्सपोर्ट मार्केट को भी देखते हुए। तो अगर आप लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट को देखेंगे तो आपके पास वो कंपेरेटिव एज मौजूद है। हमेशा आपकी स्ट्रेंथ्स के ऊपर प्ले किया जाता है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स में एग्रीकल्चर है और एग्रीकल्चर के अंदर ही जहां पे डेयरी प्रोडक्ट्स, जैसे आपने चीज की एग्जांपल दी, तो वहां से हम एक्सपर्ट बुला के यहां पे चीज जो है वो वैसे ही मैन्युफैक्चर करा सकते हैं, डेवलप करवा सकते हैं। और वहां की क्या दूध का जो है वो टेस्ट डिफरेंट है, क्या चीज है जो यहां पर चेंज है जो दोनों मार्केटों को कंपेयर कर रहे हैं? ये बहुत बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसके अगर हम चीज की बात करते हैं तो शायद 7,000 या 8,000 की वैरायटी है चीज की और दुनिया में वो वैरायटी बिकती है। जो इस प्रोग्राम से पहले मैं आपसे बात कर रहा था वो पामेजान चीज की बात कर रहा था, जो इटली के छोटा एक शहर है पामेजान, उसके अंदर वो डेवलप की जाती है और वो उसको मैच्योर किया जाता है, एक एक साल उसको वहाँ वो करते हैं। और पामेजान चीज उस इलाके के अलावा कहीं और नहीं बनती, वो फेक होती है। व्हाट इज द रीजन? उस इलाके में जो दूध देने वाली गाय हैं या बैल हैं उनको वो जो फीड दी जाती है वो उस इलाके ही की है जिसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज हैं। और उसके बाद जब उसको वो ग्रेड करते हैं और उसकी जो फर्मेंटेशन करते हैं तो वो टेस्ट दुनिया में कहीं नहीं मिलता। Exactly. अब इसी तरह पाकिस्तान के अंदर मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये दूध से हटके है कि अगर हम गोश्त पे आ जाते हैं तो दुनिया के अंदर मीट एक्सपोर्ट होता है। दुनिया के अंदर एक क्वालिटी है जो नमकीन गोश्त की होती है। हमारे पास सिंध के अंदर सेम और थोर मौजूद है और इन जमीनों के ऊपर अगर आप काश्तकारी उन चीजों की करें, उन पौधों की करें जिससे वो पौधे उग सकें उस सेम और थोर की जमीन के अंदर, और आप उस कैटल को वो चारा देते हैं तो बाय नेचर उसकी मीट जो है वो सॉल्टी होगी। वो सॉल्टिश मीट इज सॉट आफ्टर अराउंड द वर्ल्ड, उसकी वैल्यू अलग है और कुछ डॉलर करना पड़ेगी तो और कोई प्रोडक्ट्स भी कुछ ऐसी लगानी पड़ेंगी जिनके जो हमें रेट हैं वो एक्सपेंसिव मिले, ना कि शुगर केन ही सिर्फ हम काश्त कर लें। और सर, मैं यहाँ पर आपको पॉज करूंगी, हम नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं, रिपोर्ट की तरफ। साल 2019 और 20 के पस मंजर में दुनिया के बेशतर ममालिक की तरह पाकिस्तानी मईशत का सुकड़ जाना भी कोई अचंभे की बात नहीं थी। इन परेशान कुन हालात में जहां माशी तौर पर कमजोर ममालिक की हालत दिवाली के मुतरादिफ हो गई, पाकिस्तान में भी बरामदात और सनअती रोजगार फराहम करने वाले शोबे खासे माली दबाव का शिकार नजर आए। सनअती यूनिट्स बंद हो जाने से बेरोजगारी में इजाफे का खदशा भी बढ़ता चला गया। हालात की नजाकत समझते हुए पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाने शुरू कर दिए, जिसके बायस दुनिया भर के अलावा मशरक वस्ता के लिए भी पाकिस्तान के बरामदात में इजाफा हुआ। हकूमती बरवक्त इकदाम ऐसे में इंतहाई सूदमंद साबित हुए, जिनमें सर फहरिस्त शरह सूद में कमी, तवील मुद्दती मुआशी इस्लाहाती प्रोग्राम्स के लिए पॉलिसीज का इजरा, सनत दोस्त हकूमती इकदाम ने वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान और उनकी काबीना पर बिजनेस कम्युनिटी के एतबार में इजाफा किया। पाकिस्तान जो कि सर्जिकल आलात, खेलों की मसनूआत, चावल, फल, चमड़े की मसनूआत वगैरह बरामद करता है, बरामदी शोबे में सबसे ज्यादा हिस्सा टेक्सटाइल और गारमेंट्स की मसनूआत का है जो कि तकरीबन 55% से ज़ायद है। हालिया हुकूमती स्मार्ट इनिशिएटिव्स की बदौलत माली साल 2020-21 के अवाइल में ही बड़े पैमाने की सनतों में बेहतरी देखने में आई।
यही नहीं बल्कि हुकूमत इस सिलसिले में एक्सपोर्टर्स को मजीद रियायतें देने का इरादा भी रखती है। पाकिस्तान ने बरामदात बढ़ाने के लिए मौसर इकदाम उठाने शुरू कर दिए हैं, जिसके बाद दुनिया भर के अलावा मशरक वस्ता के लिए भी पाकिस्तान की बरामदात में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। जी, दिस इज द ट्रुथ के पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स के नंबर्स डे बाय डे इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं और LSM यानी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज और मैन्युफैक्चरर्स फ्लरिश कर रहे हैं, ओवरऑल एक्सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल की बात करें तो यहाँ भी जो है वो एक अच्छे नंबर्स जनरेट हो रहे हैं डेली बेसिस पे। इट इज़ अ ब्लेसिंग। कोविड के अंदर की सूरत हाल पर भी अगर जायजा लिया जाए तो पाकिस्तान के पास जो है वो अभी इतने ऑर्डर्स पाइपलाइन में मौजूद हैं कि वो 6 to 7 मंथ्स आराम से जो है वो निकल सकते हैं और ये टाइम उनको जो है वो थोड़ा सा और मजीद उनसे लेना पड़ता है कि नहीं अभी जो है वो हमारे पास काम बहुत है और हम देर से देंगे ऑर्डर्स। मज़र नासिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जो है वो अंदर की बातें निकलवाते हैं। सर, ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत फ्लरिश कर रही हैं और नो डाउट जब एक्सपोर्ट्स का नाम आता है तो यहाँ पर सिर्फ टेक्सटाइल की बात होती है, ऐसा क्यों है और क्या वजह है? देखिए, पाकिस्तान में आप अगेन एग्रो बेस्ड कंट्री होने की वजह से आप कपास उगाते हैं, वो एक अलग फील्ड है कि कपास की अब यील्ड कितनी है, आप कितना कॉटन इम्पोर्ट कर रहे हैं, लेकिन आज आपकी स्ट्रेंथ जो है वो टेक्सटाइल्स है। टेक्सटाइल्स के अंदर एक मूव ये ज़रूर हुई है कि आप पहले सिर्फ यार्न को एक्सपोर्ट करते थे, आहिस्ता आहिस्ता मैं पहले जो बात आपसे कर रहा था वैल्यू एडिशन की, अब आप देखिए कि गारमेंट्स के अंदर भी इंक्रीज़ हुआ है, निटवेयर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, बेडवेयर के अंदर इंक्रीज़ हुआ है, यानी वैल्यू एडिशन बढ़ती चली गई और बेहतर होती चली गई। अब तो डिज़ाइनर वेयर और डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, आपके पास अवेलेबल है। और मैं कल किसी ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी थी जो यूरोपियन मार्केट्स में मेड इन पाकिस्तान के लेबल के गारमेंट्स मैंने देखे, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक ज़माने में आप डिफरेंट मुल्कों के देखते थे, आज पाकिस्तान मुझ चला गया। तो मैं समझता हूँ कोविड की ये एक ब्लेसिंग है कि उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में इतना नहीं आया और दूसरे मुल्कों में ज़्यादा आया, जिसकी वजह से हमारी इंडस्ट्री वहाँ पर जा सकी और लोगों को पता चल सका कि पाकिस्तान की क्वालिटी कैसी है। और मैं दुआ करता हूं कि गवर्नमेंट इसकी सब्सिडीज होती हैं। एग्जैक्टली सर, लेकिन यहां पे एक क्वेश्चन और भी है कि सस्टेनेबिलिटी के लिए क्या किया जाए, जो नंबर्स अभी आ रहे हैं वो भी सस्टेनेबल रहे और जो हमारी क्वालिटी है जितना हम कंपेटिटिव हो गए हैं वो भी जो है वो मेंटेन। देखिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए तो दूसरे मुल्क जो है, मैं आपको इंडिया का मिसाल देता हूँ या आपको खास तौर पे चाइना के एग्जांपल देता हूँ कि जब वहाँ पे उनको उनके बिजनेसमैन को एक्सपोर्ट के अंदर इश्यूज आते हैं वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन के अंदर, तो वो इमीडिएट सब्सिडीज देते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ मसला ये है कि वो सब्सिडीज जो हैं वो 4 महीने और 5 महीने के बाद उस पर डिस्कशन चलता रहता है, जबकि वो पहले महीने में ही, इंडिया के एग्जांपल है, अगर आप किसी भी टेक्सटाइल एक्सपोर्टर से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके पास वो कंपेटिटिव एज है, गवर्नमेंट इमीडिएटली रिएक्ट करती है। हमारी गवर्नमेंट सोचती रहती है कि उस पर रिएक्ट कब करना है, एक इशू तो ये है। दूसरी चीज ये कि हमारी यील्ड ऑफ कॉटन जो है, आप पास्ट गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं या अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं? मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये ब्यूरोक्रेसी का डिसीजन होता है। आप एक चीज को सामने लेकर आते हैं और आपको इमीडिएट रिएक्शन देना होता है। जब हम एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं तो उसपे हम गवर्नमेंट्स की बात नहीं करते, हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट या ब्यूरोक्रेसी रिएक्ट किस तरह करती है। अगर आप इस गवर्नमेंट की बात करेंगे तो मैं समझता हूँ कि ये इस मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि इन्होंने रिफंड्स को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो देना शुरू किया है। सर, आप स्टार्ट कोविड को देखें, जो टाइमली मेजर्स लिए गए, क्योंकि पहले ये कहा जाता था इमीडिएटली लिए गए, हम देख रहे थे कोविड के ये अगर ये वो टाइमली डिसीजंस नहीं लेते तो आपको ये नवंबर और दिसंबर के खास तौर पर रिजल्ट्स नहीं मिलते। और इसके साथ साथ जो उन्होंने रिफंड देना एक्सपोर्टर्स के खास तौर पे शुरू किए इलेक्ट्रॉनिकली कि आपके ऑटोमेटिक बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसे चले जाएंगे, इससे एक तो करप्शन का खात्मा हो गया और जो बिजनेसमैन है उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो रिड्यूस हो गया। और पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि आप रिश्वत देते थे, आपकी जो अमाउंट होती थी आपको 10 से 15% या इससे ज्यादा भी एक परसेंटेज होती थी जो आप रिश्वत में देते थे और फिर आपको आपके पैसे मिलते थे, तो ये कहाँ का कानून था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने ये काम जो चेंज किया, जो टूवर्ड्स ट्रांसपेरेंसी जा रही है, ये एक बहुत अच्छा स्टेप है जो फ्यूचर में भी रहेगा, चाहे ये गवर्नमेंट हो या कोई और गवर्नमेंट हो, क्योंकि एक बेहतरी आने वाली चीज़ को आप तब्दील करें तो मुश्किल है जब तक वो तब्दील ना हो जाए। Exactly. तो ये इंसेंटिव्स हैं। सिर्फ मैं गुजारिश इस गवर्नमेंट से करूंगा कि टाइमली डिसीजन लें ऑन सब्सिडीज और वैल्यू एडेड सेक्टर को मजीद आप इंसेंटिव दें ताकि आहिस्ता आहिस्ता मैं तो दुआ करूंगा कि यान की एक्सपोर्ट मुल्क पे कम से कम होती चली जाए और वैल्यू एडेड सेक्टर आपका उभरता चला जाए।
इसी से मुल्क की तरक्की होगी और वो वक्त आ जाए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा इससे, इससे ना सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा बल्कि वो वक्त आ जाए कि आप अपने ब्रांड्स बना के दुनिया के अंदर एक्सपोर्ट कर सकें, और अगर आप अपने ब्रांड्स को एक्सपोर्ट कर सकेंगे तो आप ज्यादा डॉलर्स कमा सकेंगे, अगर आपका बिजनेसमैन कमाएगा तो मुल्क तरक्की करेगा। तो ये एक बहुत 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 बड़ा एस्पेक्ट है, मैं तो सिर्फ एक टेक्सटाइल के अंदर आपसे ये बात कर रहा हूं। Exactly, जिसके ऊपर प्रॉपर्ली काम करने की जरूरत है। फखर से कहते हैं कि एडिडास की फुटबॉल, एडिडास की फुटबॉल सियालकोट में बनती है, वो एक ब्रांड ही है चाहे हमारा ना हो, लेकिन हम फखर से कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर जो वर्ल्ड कप की फुटबॉल वो पाकिस्तान बनाता है, जो है वो गुड्स में बहुत ज्यादा आगे। आपको टेक्सटाइल्स में और दूसरी प्रोडक्ट्स में जाना है। एक्सपोर्ट्स की बात हो रही है, मैं कंस्ट्रक्शन पे आना चाहूंगी। ओवरऑल जब से कोविड स्टार्ट हुआ है सबसे ज्यादा फ्लरिश करता हुआ सेक्टर अगर देखा जाए इन हाउस तो सबसे ज्यादा कंस्ट्रक्शन सेक्टर दिखाई देता है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन पैकेज। क्या दिखाई दे रहा है, कितना ज्यादा पॉजिटिव है, एक्सटेंशन भी हो गई है, अब तो सब चीजें जो बिल्डर्स हैं वो भी खुश नजर आ रहे हैं। देखिए जो गवर्नमेंट ने ये स्टेप लिया, ये बहुत अच्छा स्टेप लिया पाकिस्तान के लिए। उसकी वजह ये है कि जो मदर इंडस्ट्री है वो एक्चुअली कंस्ट्रक्शन है, लोग ऑटोमोबाइल को कहते हैं right. लेकिन जो आपकी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है वो 72 इंडस्ट्रीज एंसिलरी हैं जो उस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड हैं। आप सीमेंट ले लें लार्ज स्केल में, आप सिरामिक्स ले लें, आप इसके साथ ये कॉपर वायर्स इलेक्ट्रिकल्स ले लें, मतलब बेतहाशा प्रोडक्ट। स्टील इंडस्ट्री है, आज स्टील इंडस्ट्री बूम कर रही है, जो पाकिस्तान में स्टील बना रहा है उसके पास अगले महीने, अगले दो महीने, अगले तीन महीने के लिए ऑर्डर्स मौजूद हैं। लेकिन सर इश्यूज वहां भी हैं, अगर हम सीमेंट देखते हैं तो वहां भी प्राइस में कार्टलाइजेशन दिखाई देता है, अगर हम स्टील में देखते हैं तो वहां भी प्राइस अप हो गई। एक तरफ गवर्नमेंट पैकेज देती है, इससे पहले हम बात कर रहे थे सब्सिडीज की, तो वहां पर यह देखा जाता है कि जब यहां पर हमने कंस्ट्रक्शन पैकेज आया है और यहां से लोग फायदा उठा सकते हैं, खासकर वो जिनके लिए सस्ते मकान बनाए जा रहे हैं उन लोगों के लिए, यहां पर सीमेंट की प्राइस और स्टील की प्राइस काफी हद तक बढ़ा दी गई है। मैं आपको उसका एग्जांपल दो तरीके से इसका जवाब देता हूं। मैं आपसे क्वेश्चन ही कर रही हूं। पहली चीज ये है कि जब आप एक इंसेंटिव देते हैं और मार्केट में शॉर्टेज आती है तो उसके साथ नए प्लेयर्स मार्केट के अंदर आते हैं। आज अगर पाकिस्तान में तरक्की नजर आ रही है कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री के अंदर, तो आप देखेंगे कि साल, दो साल, तीन साल के अंदर मजीद सीमेंट की इंडस्ट्री या आपको स्टील की इंडस्ट्री नजर आएगी जो पाकिस्तान में आ जाएगी। और जिस वक्त वो इंडस्ट्री पाकिस्तान में आ जाएगी फिर आप देखेंगे कि एक नेचुरल कोर्स है कि कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन के अंदर प्राइसेस डेवलप होंगी जो नीचे की तरफ जाती है right. क्योंकि आप कंपीट करते हैं अपने प्रोडक्ट के लिए। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आज वो बड़ा इनिशियल प्रोसेस में दिखाई देता है 6-8 महीने के अंदर आप ये कहते हैं। अच्छा, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से बहुत सारी अलाय इंडस्ट्रीज भी हैं, तो उनमें से एक के जो है ये रिपोर्ट है वो आप देखें, फिर वापस आते हैं और मजीद बात को आगे बढ़ाते हैं। घर बनाते वक्त हर शख्स अपने घर के लिए हर चीज बेहतरीन खरीदना चाहता है, ताहम सवाल कीमत, मायार, स्टाइल और माली इस्तेदात का आ जाता है। पाकिस्तान में सेरामिक्स या टाइल की सनत उभरती हुई सनतों में शुमार होती है। कहा जाए कि इस सनत ने पाकिस्तान में अभी चलना सीखा है तो बेजाना होगा। टाइल इंडस्ट्री में काफी खला मौजूद है जिसे देखकर कई मुकामी और गैर मुकामी कंपनीज इस मैदान में कदम रख चुकी है। पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री की डिमांड अभी तक पैदावार से कहीं कम है, इसीलिए बाकी तलब टाइल्स दरामद करके पूरी की जाती है। और साथ ही बड़ी महारत से बैनुल अक्वामी कंपनीज ने दरामदी हिस्से को खूब पुर किया है, लेकिन तहाल ये काफी नहीं। पाकिस्तान में मजीद मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कायम करने की सलाहियत और जगह बाकी है, जिसकी वजह से न सिर्फ कीमतों में फर्क पड़ेगा बल्कि रोजगार के काफी मौके भी पैदा होंगे। मुल्क में टाइल्स की बरामद का काफी पोटेंशियल मौजूद है, अगर पाकिस्तान अपनी तलब पूरी करके इजाफी टाइल्स बनाए तो खासा ज़र मुबादला कमा सकता है। पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री का मुस्तकबिल माहौल दोस्त टाइलों में है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में टाइल इंडस्ट्री आइंदा सालों में मजीद तरक्की करेगी और इस तरक्की में नए पैदावारी यूनिट्स और मुकाबले की फजा आम शहरी के लिए फायदा और खुशहाली लाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ने आलमी मयार के टाइल्स बनाकर बैन अवी मार्केट में नाम कमाया है। पाकिस्तान में इस सनत से कमोबेश 50,000 से ज्यादा अफराद बराह रास्त वाबस्ता हैं और उनमें से बेशतर मजदूर सतह के मुलाजमीन हैं। गोया इस सनत के जरिए निचले तबके को ऊपर लाने के मौके हासिल हुए हैं। और इस दिन में एक अहम बात यह भी है कि टाइल्स ज्यादातर लोकल मटेरियल से बनते हैं, बहुत कम खाम माल बैरून मुल्क से मंगवाना पड़ता है, यूं कीमती जर मुबादला भी खर्च नहीं होता। मुख्तलिफ अकसाम की मट्टी को एक प्रोसेस से गुजार कर टाइल्स की सूरत दी जाती है। चूंकि ये मट्टी दूर दराज इलाकों से मंगवाई जाती है, इस तरह इस पस मंजर में उन पसमानदा इलाकों में भी रोजगार के मौके पैदा होते हैं।
जी नाजरीन, हम देख रहे थे ओवरऑल अलाय इंडस्ट्रीज की जहां बात हो रही है, वहीं हम देख रहे हैं कि टाइल्स की इंडस्ट्री यानी सेरामिक्स इंडस्ट्री काफ़ी हद तक फ्लरिश कर रही है। एक्सपोर्ट्स के नंबर्स जनरेट करने में इस इंडस्ट्री का कितना हाथ है, हमारे साथ मज़र नासिर साहब मौजूद हैं, उनसे मज़ीद बात करते हैं। सर प्लीज़ इस पर कॉमेंट करें। खुशकिस्मती से ये इस इंडस्ट्री से मेरा भी ताल्लुक है। ओके, और मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैंने आपसे एंसिलरी इंडस्ट्रीज की बात की थी, तो इस पिछले 18 महीने के अंदर दो नई चाइनीज़ कंपनी से अपनी प्रोडक्शन शुरू कर दी है पाकिस्तान के अंदर, और वो सीपैक के तहत उन्होंने अपने प्लांट्स लगाए हैं। अगर मुझे सही तरह याद हो तो जो पहली कंपनी है जो फैसलाबाद में लगी है वो तकरीबन 9.5 अरब रुपए की कॉस्ट की मालियत पे लगी है, और दूसरी कंपनी जिसने हालिया प्रोडक्शन शुरू की है पिछले 2 महीने के अंदर, वो भी तकरीबन इसी मालियत की लगी हुई है। न सिर्फ ये बल्कि दूसरी बिजनेस ग्रुप्स जो हैं इसमें ऑलरेडी अपनी इंडस्ट्रीज़ लगा चुके हैं, और अगर पाकिस्तान में पहले 6 या 7 प्लेयर्स थे तो इस वक्त हम 12 या 13 प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि अगले 2 साल या 3 साल के अंदर 20 कंपनियां पाकिस्तान में होंगी जो सिरामिक टाइल्स एंड सैनिटरी वेयर बनाएंगी। ओके, जो इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि जिस तरह आपने अभी दिखाया कि आपके ज़्यादातर रॉ मटेरियल्स लोकल हैं, तो ये क्या सानेहा था कि साला साल से आप इस इंडस्ट्री को तवज्जो नहीं देते थे और अपना फॉरेन एक्सचेंज आप बाहर भेज के बाहर से मिट्टी इंपोर्ट कर रहे थे। ये ज़रूर है कि इसमें वैल्यू एडिशन है, ये सिर्फ मिट्टी नहीं होती, इसमें बहुत से केमिकल्स, डिफॉकुलेंट्स, फ्रेट्स, ग्रेट्स, बहुत चीज़ें डलती हैं, लेकिन इसके अंदर आपके मैकेनिकल इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, आईटी रिलेटेड लोग, डिजिटल से रिलेटेड लोग, वो सारे लोग इसमें आते हैं। और एक ये इंडस्ट्री वो है जिसके अभी तो उन्होंने बताया 50,000 लोग, मैं समझता हूँ 1,00,000 से ज़्यादा लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इस इंडस्ट्री से वापस आए। इंडस्ट्री पर तवज्जो देने की जरूरत है, ओवरऑल एक्सपोर्ट की तरफ भी आना चाहिए। इसमें एक्सपोर्ट के लिए एक वक्त था जब हम इंपोर्ट कर रहे थे, तो अब हमें इस लाइन में भी आना चाहिए, एक्सपोर्ट के लिए आना चाहिए। लेकिन इशू क्या है, इशू ये है कि आज पाकिस्तान में इस इंडस्ट्री का जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल है वो नेचुरल गैस है। अब नेचुरल गैस की कॉस्ट पाकिस्तान में फॉर एग्जाम्पल अगर 1,000 या 1,100 रुपये 1,054 रुपये होती है, लेकिन आप आज अगर RLNG की कॉस्ट लेंगे तो वो 30% to 40% आज हाई है, और अगर आप पिछले साल का डेटा लेंगी तो 100% का भी फर्क आता है। अच्छा, तो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर अगर हुकूमत पाकिस्तान इस इंडस्ट्री के ऊपर तवज्जो दे कि इसको किस तरह और कंपेरेटिव कर सकते हैं, तो मैं समझता हूँ जब ये 20 इंडस्ट्रीज अगले साल 2 साल के अंदर मुल्क में आएंगी तो प्राइसेस मजीद नीचे जाएंगी, क्वालिटी बेहतर होगी, और हर मैन्युफैक्चरर जो प्रोड्यूस करेगा वो एक्सपोर्ट मार्केट को देखेगा। आपके पास पूरा मिडल ईस्ट की मार्केट है जो आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि चाइना से माल वहाँ आता है और मिडल ईस्ट के अंदर जाता है, और मैं नहीं समझता कि इस मार्केट को पाकिस्तान बआसानी मिडल ईस्ट की मार्केट में एक्सपोर्ट कर सकता है। Exactly. आपको सुन के ताज्जुब होगा कि गुजरांवाला के अंदर जो सैनिटरी वेयर बनता है जो एक ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री नहीं है इस वक्त तक, वहाँ से वाइट कलर की सैनिटरी वेयर जब हज के लिए सऊदी अरेबिया में आप जाते हैं तो हर साल वो नए बाथरूम्स बनाते हैं हजारों, वो पाकिस्तान एक्सपोर्ट करता था। तो क्या वजह है कि आप पाकिस्तान में इसको ऑर्गेनाइज सेक्टर में लाकर एक्सपोर्ट ना बढ़ा सकें? आप ये काम कर सकते हैं, अगेन ये वैल्यू एडेड सेक्टर है कि आप इसको बढ़ा रहे हैं और आपके लोग और वैल्यू एडेड भी सिर्फ मिट्टी को ही है, आपने कहा ना जैसे मिट्टी की बात की, और बाकी चीजें और हैं, मतलब इसमें 8-9 किस्म की मिट्टियां होती हैं, केमिकल्स होते हैं, इसमें मजीद रॉ मटेरियल्स भी होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो है वो इंडिजिनस है। लेकिन सर काम हो रहा है, आपने केमिकल्स की बात की तो केमिकल इंडस्ट्री पे आना चाहूंगी मैं, क्योंकि ओवरऑल इससे पहले इस इंडस्ट्री को भी इंडस्ट्री का दर्जा नहीं दिया गया था और अब दिया गया है। ओवरऑल केमिकल्स की बात हो तो हर इंडस्ट्री के अंदर इसका अपना एक आउटपुट है, ओवरऑल दिखाई देता है। अब क्या लग रहा है केमिकल इंडस्ट्री कितनी फ्लरिश कर रही है पाकिस्तान में, और अभी भी हम कुछ चीज़ें रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं? देखिए अनफॉर्चुनेटली केमिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो किसी भी मुल्क में बेसिक इंडस्ट्री होनी चाहिए, राइट? लेकिन आज भी 99% केमिकल्स पाकिस्तान में इंपोर्ट होते हैं, और इसकी वजह जो है पिछले 10 सालों के अंदर जो चाइना के साथ FTA साइन किए गए उसमें केमिकल जो केमिकल्स हैं उनको ज़्यादातर 0% ड्यूटी या उससे करीब करीब इंडस्ट्री ड्यूटीज़ पे ले आया गया। तो अगर एक केमिकल है वो चाइना से बआसानी 0% ड्यूटी पे आ जाता है और मेजॉरिटी 0.5 या 10% है, तो केमिकल इंडस्ट्री में क्यों कोई इन्वेस्ट करेगा?
तो इसकी वजह यही है कि एफटीए से केमिकल इंडस्ट्री को अगर आप हटाएं, या गवर्नमेंट कहती है कि जी आप अगर इंडस्ट्री लगाएंगे तो हम ड्यूटीज बढ़ा देंगे, लेकिन ये कैच 22 है कि भाई पहले आप ड्यूटी स्ट्रक्चर ठीक करो, उसके बाद इन्वेस्टमेंट उसके अंदर होगा। कौन है जो 0% ड्यूटी के अंदर इन्वेस्ट कर देगा केमिकल इंडस्ट्री में? कुछ इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लगी हुई हैं और कंपेटिटिव हैं, लेकिन उनको भी बहुत दुश्वारियां हैं क्योंकि दूसरे मुल्कों से उनके पास वो नैप्टा क्रैकर हमारे पास नहीं है जो दूसरे मुल्कों के पास है, और उनको वो कंपेटिटिव एज है। यहां मैं आपको पॉज करूंगी और हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। कमोडिटीज और फॉरेक्स के लेटेस्ट अपडेट आज की मार्केट में देखते चलते हैं। गोल्ड की परचोला प्राइस 1,10,523 रुपीज, गोल्ड पर 10 ग्राम 94,856 रुपीज, इंटरनेशनल गोल्ड एट पराउज 1,834.01 डॉलर, ऑयल WTI पर बैरल 52.48 डॉलर, ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 55.13 डॉलर। अब हम देख रहे हैं कुछ ऑयल प्राइसेस में चेंज नजर आ रहा है। करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 194 रुपीज, सेलिंग वॉज 196.50, यूके पाउंड बाइंग रही 216.50, सेलिंग वॉज 219.50, यूएस डॉलर बाइंग रही 160.10, सेलिंग वॉज 160.80, चाइनीज यान बाइंग एट 24.85, सेलिंग वॉज 25 रुपीज, सऊदी रियाल बाइंग एट 42.50, सेलिंग वॉज 43 रुपीज, यूएई दिरहम बाइंग एट 43.60, सेलिंग वॉज 44.10, कुवैत दिनार बाइंग रही 503 रुपीज, सेलिंग वॉज 505.50, एंड लास्टली ओमानी रियाल बाइंग रही 412 रुपीज, सेलिंग वॉज 414। ये था ओवरऑल फॉरेक्स और कमोडिटीज का लेटेस्ट अपडेट। हम इंटरनेशनल ऑयल प्राइस में कुछ चेंज देख रहे हैं, एट द सेम टाइम करेंसी में भी कुछ माइनर पैसास की चेंज है। हम बात करेंगे मजहर साहब से। सर, ओवरऑल करेंसी क्या दिखाई दे रही है और एक्सपोर्ट के नंबर्स इंक्रीज करने में रुपी डिवैल्यू होने का कितना इम्पैक्ट आया है? देखिए, एक्सपोर्ट इसका बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। जितनी डिमांड आपकी डॉलर की मुल्क में बढ़ती चली जाएगी, उतनी इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, और जितना आप एक्सपोर्ट से अपने डॉलर मुल्क के अंदर लाएंगे और वो अवेलेबल होगा, उस तरह आपकी प्राइस और डॉलर की वैल्यू जो स्टेबल रहेगी। इस वक्त तो आपको हेल्प किया है आपके बाहर से आने वाले पैसों ने जो लोगों ने भेजे हैं, आप रेमिटेंसेस की बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ बहुत अच्छा इंसेंटिव दिया गया है, क्योंकि अगर आप इनको मार्कअप जो दे रहे हैं और अगर आप वो बैंक से बोरो करते हैं, इंटरनेशनल फंड्स में जाकर बोरो करते हैं, तो वो और महंगा पड़ता और पता नहीं आपको क्या कुछ गिरवी रखना पड़ता। ये तो आप ही के मुल्क के लोग हैं जो मुल्क के अंदर पैसे ला रहे हैं। एक तो वो ट्रांसपेरेंसी आ रही है कि आप प्रॉपर चैनल्स के थ्रू डॉलर को अंदर लेकर आ रहे हैं, उनको मजीद इंसेंटिव दिया जा रहा है जो दिया जाना चाहिए था, और उसके साथ ये रेमिटेंसेस बढ़ते चले जाएंगे। और मैं समझता हूँ ये बड़ी खुश आइन बात है। इन सूरत हाल में भी जब दुनिया भर में कोविड का इम्पैक्ट है, लोगों के पास इम्प्लॉयमेंट्स नहीं है, लेकिन हमारे लोग फिर भी जनरेट कर रहे हैं और पाकिस्तान में लेकर आ रहे हैं, वो पोजीशंस नजर आ रही हैं। थैंक यू सो मच मजहर नासिर साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। काफी डिटेल एनालिसिस एक्सपोर्ट के ऊपर, पूरा रिव्यू प्रॉपरली इकोनॉमिक डिटेल्स के साथ हमने आज के प्रोग्राम में डिस्कशन की। हम देख रहे हैं जहाँ FATF के चैलेंजेस नजर आ रहे हैं, जहाँ मुल्क में कोविड के चैलेंजेस नजर आते हैं, जहाँ अनएम्प्लॉयमेंट के चैलेंजेस नजर आते हैं, वहीं एक्सपोर्ट्स के नंबर इंक्रीज होना ओवरऑल इट्स अ हेल्दी साइन, पॉजिटिव साइन। दैट्स ऑल, प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।